हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा फर्स्ट डे है गाइस। मैं कभी सुधर सकती हूँ क्या? आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट करो कि मैं सुधरू या नहीं सुधरू। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे 10 बजे रिपोर्टिंग था और अभी बज गया 10:06। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक्साइटेड टू गो, बट अभी नर्वस हो रहा है क्योंकि फॉर्म जो है ना, एक ही गलती से पूरा का पूरा फॉर्म बर्बाद हो सकता है अगर मैंने एक भी गलती किया तो। मुझे मेरा पास मिल गया है, पहले मैं अपना KYC निकाल लेती हूँ, फिर मैं अंदर जाऊँगी। एक्सक्यूज मी। तो मुझे पूछ रहा है कि अरे यहाँ पे DASH है और योर नेम इज DAS, सो बहुत कंप्लेन है, तुम सही होना ही होना। नहीं है मैम, जेन्युइन पर्सन। सो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं बिना टिकट के अंदर लाना, इट्स वेरी बिग डील फॉर मी। तो मैं ऑफिस के अंदर आ चुकी हूँ, यही आकाशा का देख सकते हो। होल्ड ऑन, मैं अच्छे से दिखाती हूँ, बट आई डोंट नो ये दिखाना सही होगा क्या नहीं, मुझे नहीं लगता है। सो मैं इसको सोच रही हूँ हेजी कर दूँगी या फिर नहीं दिखाऊँगी। और क्या है मतलब, और तो कुछ है भी नहीं बताने के लिए, दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी कि उड़ीसा के आप लोगों को टूर कराने का, मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी उड़ीसा के बारे में आपको दिखाना, यहाँ के लोकल फूड, यहाँ के चीज़ें। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? और हाँ, मैं दिल्ली आऊँगी आई थिंक, नहीं तो बेंगलुरु भी। सो बाय बाय तब तक के लिए गाइस। मतलब जस्ट अभी मुझे आकाशा का मेल आईडी मिल गया, मतलब मेरे नाम के साथ आकाशा का नेम है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं मतलब बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। हाय, मैं बहुत मतलब मुझे एम्प्लॉय ऑफ मेरा लैंग्वेज कितना वर्ड गलत बोलती हूँ, मतलब मैं कितना अटकती हूँ यार, आई मीन टू से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो भी है सब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी ने कहा है कि सबर का फल मीठा होता है, हाँ मीठा होता है। और जहाँ तक कैबिन क्रू की बात रही, मैं ट्राई करूँगी। आई हैव कट लुक हेयर, ये बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा है बट बहुत है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पे कट है। सो दैट्स द रीज़न मैं इंडिगो में बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए इंडिगो में ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ अब। मतलब अब मैं करती ही नहीं हूँ, लास्ट 1 ईयर से मैं अप्लाई नहीं की। मेरा थोड़ा सा नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है। मैं अब ठीक हो जाती हूँ पहले, उसके बाद मैं आकाशा के लिए अप्लाई करती रहूँगी। और ये रहा बाहर का नज़ारा गाइस, प्लीज़ प्लीज़। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक मैं एवरीडे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। आकाशा का AP बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, बहुत कुछ होता है, मैं अभी तक आई एम नॉट अवेयर बिकॉज ऑफ आई एम ए फ्रेशर। सो आई डू माई बेस्ट और मैं आप सबको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरा वीडियो शेयर करना प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके, आई हार्डली रिक्वेस्ट यू। ये रहा बाहर का नज़ारा, ये है आकाशा का काउंटर, लुक लगेज जा रहा है, दिख रहा है। आई थिंक ये सब दिखाना सही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। सो आज के बाद मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, बट हाँ एग्ज़ाम के बारे में, इसके बारे में हर डिटेल में बताती रहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है जितना बताने लायक हो, बट ये सब दिखाना नो। बाय, अब तक के लिए।
अब्दुल को आप कुछ नहीं लगा दियो। नहीं कुछ मत लगाना, मेरा तो पता है। दे 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 ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ से सभी यहाँ पे आए थे, तो अब जा रहे हैं कोलकाता में वापस। कोलकाता में बेस ओपन हो, मतलब कोलकाता में भी ओपन हो रहा है फ्लाइट आकाशा का, तो इसीलिए सब लोग केक वेक लगा रहे हैं रूम का। बिल्कुल मुझे सचमुच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे केक लगाने करना, मुझे लगता है यार कितना वेस्ट हो जाए। आने के बाद इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, फिर मैं बाहर खाना खाने गई थी, क्योंकि हमारे होटल में MAP प्लान हम लोगों को दिया गया है। तो एक्चुअली मुझे स्टाफ लोगों से सबसे बात करना था, मुझे जानना था, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे क्या है ना, इतना एग्ज़ाम आता है, अगर आप एग्ज़ाम पे फेल हो जाते हो या फिर कुछ APR समथिंग कुछ एग्ज़ाम है उसमें आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे। तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक चल रहा है, तो मैं सबसे डिस्कस कर रही थी, सबसे पूछ रही थी, बात कर रही थी। सो मैं बताती रहूँगी आप लोगों को क्या है नहीं है। सो लेट्स सी, एंड अभी के लिए तो बाय, गुड नाइट। सो गाइज, जस्ट मैं नींद से उठी हूँ, तो अब मैं जाऊँगी डिनर करने। आप सोच रहे हो अरे मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के सोई थी तो मैं पिंक कैसे पहन लिया, तो मैं बोल दूँ, अब मुझे लगा मेरे रूम का कॉल बज रहा है, तो मैं बता दूँ मैं वॉशरूम के लिए उठी थी बेंच पे नींद से, और मैं स्लिप खा के यहाँ पे गिर गई। और मेरा कपड़ा मेरा टी शर्ट थोड़ा सा फट गया, थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा चेंज कर लेती, उसको वॉश करने के लिए दे चुकी हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे लॉन्ड्री है, तो आज सैटरडे कल संडे, कल बंद हो जाएगा, तो मैंने जल्दी से उनको बोला कि थोड़ा सा मतलब टिक करके दे दो, हाफ आवर लगेगा प्लीज़। तो उस टाइम पर टाइम भी था, तो मैंने इसीलिए दे दिया। देखा, होटल में काम करने का थोड़ा तो नॉलेज और फ़ायदा उठा ही सकती हूँ मैं। तो अभी मैं चलती हूँ डिनर करने, क्योंकि अभी 7:30 बज गया है और मैं लेट नहीं खाना खाना चाहती, क्योंकि लेट खाने से ना मतलब लेट सब कुछ चीज़ें लेट लेट होता रहेगा, तो मैं नहीं चाहती। सो चलते हैं, आप लोग रेडी हो आज के बफे के लिए? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या है नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊँगी, बट चलती हूँ, चले। ओप्स, ये तो फ्लैश ऑन हो गया, फ्लस चले। ओ सिट, मैं की लेना भूल गई। लुक बफे, मतलब पता नहीं क्यों क्या हुआ है, सब खाली है, तो ये लोग, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ और ये लोग कुछ भी सर्व करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चिली कितना खूबसूरत है वो चिली। ये चिली दे, ये जुड़े हुए हैं क्या? सो मैंने मैंने बहुत ज़्यादा खाने का ऑफर दे रहे थे, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती और मैं खा भी नहीं पाऊँगी, तो उस सारे खाने का ऑर्डर करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ें ऑर्डर किया, मतलब थोड़ा सा जस्ट हल्का सा फ्राइड राइस, उसमें एक्स्ट्रा वेजिटेबल और मंचूरियन, वो भी थोड़ा सा एकदम बहुत कम, और थोड़ा सा वेजिटेबल गार्लिक। सो अभी आ गया है सूप।
सर एक बटर होगा क्या? तो दिस इज द फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। तो बोल रहा था कि एक होटल में फ़ोन भी अलाउ नहीं होता है और किसी का कुछ हो जाए तो मतलब 12 बजे के बाद पता चलता है। बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि इतना सब एक्स्ट्रा आवर होता है कि क्या बताऊँ। मैं वो सब कुछ फेस कर चुकी थी, मैं जानती हूँ उन सब का। अब मैं सब करती हूँ खाना। दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई होप सूप की तरह ये भी टेस्टी हो। मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में बोला है देने के लिए ताकि वेस्ट ना हो। सो टेस्ट करके बताती हूँ कैसे है। दिख रहा है क्या? हाँ, मंचूरियन के साथ ट्राई कर रही हूँ। इतना सॉफ्ट है कि क्या बताओ, पूरा मुंह में जाके घुल रहा है। वाह, बहुत अच्छा है। सो मुझे इतना अच्छा लगा मैं फिर से ले लिया थोड़ा सा। बट अब मैं खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी इसको कंप्लीट करने का। मैं घर से रूम पर जाकर मैं मेडिसिन लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से फीवर आ रहा है। रूम पर चल के मिलते हैं। सो है गाइस, तो अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही खाना खा के आई हूँ रूम पर। तो आने के बाद मैंने बालों में ऑयलिंग कर लिया। मेरे बाल लुक कितना चिपको लग रहा है, पूरा साइन कर रहा है। तो मैं कल, मेरा ऑफ है तो मैं कल सोच रही हूँ शैम्पू कर लेती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगी। कल थोड़ा लेट उठूँगी क्योंकि एवरीडे मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं सोती भी नहीं हूँ, बहुत लेट सोती हूँ क्योंकि एडिटिंग करते करते बहुत टाइम लग जाता है। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है तो इसलिए मैं एडिटिंग में भी बहुत टाइमिंग लगाती हूँ आजकल। मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, इतना तबीयत मेरा ख़राब लगता है। तो आई होप आप लोग एडजस्ट कर लो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं रेस्टोरेंट में जाके आई कैन रियलाइज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वांट टू वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री एंड दे हैव एन आइडिया वॉट टू डू वॉट टू नॉट डू। सो येस, आई विल मेक वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल वॉट दे आर डू। सो मैं सोच रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ ऐसा मतलब किया नहीं है। तो मैं, अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली ज़रूर कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद सोऊँगी। बाय बाय।